हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लोकेश मित्तल, ENT कंसल्टेंट एट हीलिंग हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत है, जो है गले की खराश। तो क्या होती है गले की खराश, क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है, कैसे इसको हम पकड़ सकते हैं और क्या क्या इसमें हमें जांचों की ज़रूरत है, क्या हमें इसमें डरने की भी ज़रूरत है और कितना समय लेता है ये बीमारी, ये सब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अक्सर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि गले की खराश है, 3-4 महीने हो गए हैं। तो जनरली इसमें एलर्जीज़ को हम नाक की और छाती के एलर्जीज़ के लिए एक्सरे कराना पसंद करते हैं कि कोई ऐसी दिक्कत हो तो उसमें आगे हम सीटी स्कैन करके उसको पकड़ें। तो अक्सर हम पेशेंट से गैस की दिक्कत पूछते हैं, छाती में दमे की दिक्कत, नाक से छींकों की दिक्कत, अगर इन सब चीज़ों में क्लियरेंस नहीं मिलती है। तो जब हम गले की दूरबीन की जांच करते हैं तो हमको पता चलता है कि वहाँ पे अंदरूनी दिक्कत, कोई छाला या कोई मिपोजा की दिक्कत है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं और उसको जुडिशियसली एक सिंगल टैबलेट एंटीबायोटिक्स को हम प्रेफर करते हैं। हम जब रैंडमली दवाइयाँ खाते हैं तो नाक की भी खाएंगे, छाती की भी खाएंगे, गैस की भी खाएंगे, तो उससे गला और सेंसिटिविटी पकड़ लेता है। तो जो भी लोग इन लोगों इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो मैं उनको ये बोलूँगा कि रैंडमली कोई भी दवाई ना खाएं, हम एंडोस्कोपी कराएं अपनी ENT डॉक्टर से, एंडोस्कोपी कराने के बाद ही ट्रीटमेंट को शुरू करें। अब ये कितना समय लेता है, अक्सर ये बीमारियाँ बहुत धीरे 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 ग्रो करती हैं और धीरे धीरे ही जाती हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग अगर हम चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग में ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ये 100% है। तो मैं अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि धीरे धीरे रखिए, धीरे धीरे 2 या 3 महीने में ये चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी। क्या ये कैंसर में तब्दील हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर हम इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे तो इवेंचुअली वहाँ पे ब्लड सप्लाई लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ से पीड़ित हैं तो जरूरी आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए, उसको वहाँ पे देखना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए कि हाँ कुछ है तो भी हम उसको पकड़ें और कुछ नहीं है तो भी उसको पकड़ें। अब रही बात कि हमें एक छाला है जो ठीक नहीं हो रहा, जो काफ़ी समय से हम उसकी दवाइयाँ खा रहे हैं, विटामिन B12 खा रहे हैं, हमने सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए हैं, तो उनको मैं यही अपने पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि भी हमें अंदर से दूरबीन से देखे बिना अपने इलाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप कहीं भी विचलित हैं, आप हमसे मिलिए आके, हम आपको बेस्ट प्लान देंगे इस चीज़ का और इसको आपको ठीक करके देंगे। अब काफ़ी पेशेंट्स का हमारा दिक्कत होती है कि हम काफ़ी समय से दवाई कर चुके हैं, हम दवाई नहीं करना चाहते, हमें सर्जरी करवा दीजिए। सर्जरी अक्सर इन केसेस में रिक्वायर्ड नहीं होती है अगर हम इसको सही तरीके से पकड़ लें, ठीक है। तो आप अपना मन मत बनाइए सर्जरी का कि ये तो सर्जरी से ही ठीक होगा। आप हमारे पास आइए, प्रॉपर टेस्टिंग कराइए और बीमारी को, डायग्नोसिस को प्रॉपर बनने दीजिए। वंस जब भी हमको एक बार डायग्नोसिस मिल जाती है तो बहुत ही कम दवाइयों से हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू।